दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट लो बजट एंट्री लेवल लैपटॉप्स जो 20,000 रुपीज से लेकर 22,000 रुपीज की प्राइस रेंज में मिलते हैं। दोस्तों, इस प्राइस में सभी बेसिक लैपटॉप्स आते हैं जिनमें आप ज्यादा हेवी टास्क नहीं कर सकते। इनमें आप सभी बेसिक टास्क जैसे मीडिया कंजम्पशन, वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, एजुकेशन पर्पज और बेसिक फोटो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल आपको इस प्राइस में ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए 5 ऐसे लैपटॉप सिलेक्ट किए हैं जिनमें से 2 फुल टच स्क्रीन क्रोमबुक लैपटॉप्स हैं और 3 प्रॉपर लैपटॉप्स हैं जिनमें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर पाओगे। उसी के साथ देखेंगे इन सभी के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है HP क्रोमबुक। अगर आप एक टैबलेट कम लैपटॉप 20,000 से लेकर 22,000 के बीच लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा। इसमें आप वेब ब्राउजिंग, मीडिया कंजम्पशन, ऑनलाइन मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन वगैरह इजीली कर सकते हैं। या तो 11.6 इंचेस की फुल टच HD एंटीलियर डिस्प्ले, 220 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1366x768 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें MediaTek Companion 500 8 कोर्स वाला एक मोबाइल प्रोसेसर मिलता है जो एक कैपेबल प्रोसेसर है जिसमें आप मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हैं। उसी के साथ 32,000 MHz LPDDR4X RAM, 64GB स्टोरेज जिसे आप SD कार्ड के थ्रू 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। उसी के साथ 100GB गूगल ड्राइव स्पेस, क्रोम OS, गूगल असिस्टेंट, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, फुल टच डिस्प्ले, मल्टीजेस्चर टचपैड और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, SD कार्ड स्लॉट, USB टाइप सी पोर्ट और एक USB 3.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 37 वॉट आवर्स 2 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसमें लगभग 6-8 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप भी आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल इसकी प्राइस 22,000 रुपीज है जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 20,000 तक भी आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, एक लाइट वेट और कंपेरेटिवली फास्ट लैपटॉप है जिसमें आपके सभी बेसिक टास्क इजीली हो जाते हैं। आप इसे एज अ टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Asus Chromebook Flip। दोस्तों, ये भी एक फुल टच क्रोम OS के साथ आने वाला 360 डिग्री फोल्डेबल लैपटॉप है। इसमें आपको एक इंटेल का प्रोसेसर मिलता है जो क्रोम OS के साथ काफी फास्ट और लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा इसमें HD वेबकैम के साथ एक 5 MP का कैमरा भी मिलता है जिसे आप एज अ रियर कैमरा भी यूज कर सकते हैं। यह था 11.6 इंचेस की फुल टच HD एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 200 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1366x768 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें इंटेल सेलेरॉन N4020 ड्यूअल कोर प्रोसेसर, इंटेल अल्ट्रा HD के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 4GB DDR4 रैम, 64GB स्टोरेज को आप SD कार्ड के थ्रू 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। उसी के साथ क्रोम OS, वॉइस असिस्टेंट, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, HD वेबकैम, 5 MP का कैमरा, 360 डिग्री हिंज, फुल टच डिस्प्ले और मल्टीजेस्चर टचपैड के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 2 USB टाइप सी पोर्ट, 1 USB 3.2 पोर्ट और SD कार्ड स्लॉट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 50 वॉट आवर्स की बैटरी 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है जिसमें 8-10 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। इसकी प्राइस सिर्फ 20,000 रुपीज है। दोस्तों, प्राइस के हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है जिसमें आपको मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप ऑफिस प्रेजेंटेशन या फिर एजुकेशन पर्पज के लिए कोई लाइट वेट लैपटॉप या फिर टैबलेट लेना चाहते हैं तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है इन्फिनिक्स X1 नियो। दोस्तों, इस लिस्ट का सबसे स्टाइलिश, स्लिम और बेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है। साथ ही इसमें आपको सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप और बैकलेट कीबोर्ड भी मिल जाएगा। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए सही रहेगा जो नॉर्मल वेब ब्राउजिंग, मीडिया कंजम्पशन, ऑफिस वर्क और प्रेजेंटेशन के लिए एक लाइटवेट लैपटॉप चाहते हैं। यह था 14 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 72% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें इंटेल सेलेरॉन N5100 4 कोर 4 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, इंटेल अल्ट्रा HD के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 32,000 MHz 4GB DDR4 RAM, 128GB की SSD, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स विद DTS सराउंड साउंड, HD वेबकैम, बैकलेट कीबोर्ड और मल्टीजेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, 1 USB टाइप सी पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट और 1 USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 56 वॉट आवर्स की बैटरी 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है जिसमें आपको लगभग 7-8 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अभी आपको सिर्फ 21,000 रुपीज में मिल रहा है जो नॉर्मली 25,000 रुपीज के आसपास देखने मिलता है। प्राइस के हिसाब से इसमें बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स काफी तगड़े देखने मिलते हैं। साथ ही IPS LCD डिस्प्ले, बैकलेट कीबोर्ड
और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं। इस प्राइस में ये भी एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है जिसे आप बिना किसी इशू के परचेस कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर दो की तरफ। तो नंबर दो पर आता है लिनोवो V15। दोस्तों अंडर 20,000 रुपीज में अगर आप एक 15.6 इंचेस का फुल साइज लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसे परचेस कर सकते हैं। ये एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी पड़ती है जो किसी भी कंप्यूटर स्टोर से आप कर सकते हैं। यह आता है 15.6 इंचेस की HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 220 निट्स की ब्राइटनेस और 1366x768 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें इंटेल सेलेरॉन N4020 ड्यूल कोर प्रोसेसर, इंटेल अल्ट्रा HD के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 2400 मेगाहर्ट्ज़ 4GB DDR4 रैम, 256GB की SSD, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी ऑडियो, मल्टी जेस्चर टचपैड और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, SD कार्ड रीडर, दो USB 3.1 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट्स भी दिए गए हैं। इसमें 35 वाट आवर्स 2 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसमें 4 टू 5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। अभी इसकी प्राइस सिर्फ 20,000 रुपीज़ है जो इस प्राइस में आपको फुल साइज का लैपटॉप मिल रहा है। इसमें भी आपके सभी बेसिक टास्क इजीली हो जाएंगे। वैसे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर एक की तरफ। तो नंबर एक पर आता है Acer Aspire 3। दोस्तों इस लिस्ट की सबसे ज्यादा स्टोरेज आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपको रैम और स्टोरेज दोनों को ही अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही प्री इंस्टॉल विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाएगी। यह है 14 इंचेस की HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 220 निट्स की ब्राइटनेस और 1366x768 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें AMD 3020E ड्यूल कोर प्रोसेसर, 4GB DDR4 रैम, 1TB की HDD। इसमें आप रैम को 8GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, साथ ही एक्स्ट्रा SSD स्लॉट भी मिल जाएगा। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टीरियो स्पीकर्स, HD वेबकैम और मल्टी जेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और दो USB 3.2 पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 36 वाट आवर्स 2 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसमें 4 टू 5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसकी प्राइस 21,000 से लेकर 22,000 के बीच फ्लक्चुएट होती रहती है। दोस्तों इसमें आपको स्टोरेज सबसे ज्यादा मिलेगी, साथ ही इन फ्यूचर आप इसमें रैम को भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें भी आपके सभी बेसिक टास्क इजीली हो जाएंगे। अगर आप एक ज्यादा स्टोरेज वाला लैपटॉप इस प्राइस में लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो 20,000 रुपीज की बजट प्राइस कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। So that's it for today, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।